अगर एक वेबसाइट महीने का $1,000 कमा रही है, ठीक है, और उसकी प्राइस टैग आपके बजट में आती है, लेट्स सपोज ये कहा जाता है कि वो प्राइस टैग है $10,000 और आपके बजट में भी, और आप इंटरेस्टेड भी हो $10,000 इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो क्या आप 30 डेज के लिए वेट करोगे उस इन्वेस्टमेंट के लिए, या आप चाहोगे मैं फौरन उसको बाय कर लूं? व्हाट विल यू डू? अगर आपके पास पैसे भी हैं, आप इंटरेस्टेड भी हो, आपको वो चीज पसंद भी आ गई है, क्या आप वेट करोगे 30 डेज के लिए, या आप उसको फौरन उसी टाइम पे बाय कर लोगे? नो, आई विल नॉट वेट, आई विल बाय नाउ। आप जो एक रियलिस्टिक और जो प्रॉपर अप्रोच है, आप क्या करोगे कि आप उसको उसी टाइम पे बाय कर लोगे, दो रीजन की वजह से। एक ये रीजन है कि 30 डेज अगर के बाद आप बाय करोगे तो आपको 10,000 के बजाय आपको 1,000 का एक लॉस भी हो रहा है, क्योंकि $1,000 उसकी पर मंथ की रेवेन्यू भी है। तो क्या है कि अगर आप उसको फौरन बाय कर लोगे तो 30 डेज का जो टाइम फ्रेम गुजरेगा उसके बाद आपको $1,000 की अर्निंग भी हो चुकी होगी। सेकेंड ये चीज है, अगर उसके बाद बाय नाउ ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या होगा कि जैसे जैसे बिड ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी, वो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और रिजर्व प्राइस और दूसरी चीजें जो है ना, वो काफी जो सेलर्स होते हैं वो उसको चेंज करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आपके हाथ से गेम निकल जाती है।